जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। माने अखिलेश यादव जिंदाबाद। माने अखिलेश यादव जिंदाबाद। माने अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छी तरह पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, खेलो। बस आइए भाई, आइए। और तुम क्या नाम है आपका? वरुण। वरुण, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? निक्की बाबू, क्या हाल है? कौन सा काम है आपका? बहुत अच्छा यार, क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम विधानसभा क्षेत्र अनुच्छेद विधानसभा क्षेत्र के गांव खदाना में मौजूद है, जहां चौधरी होशियार सिंह आगामी 28 तारीख को सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का आगमन है गांव मोहरसा में अवंतिकाबाई मूर्ति को अनावरण को लेकर। उसी क्रम में लगातार बैठक चल रही है, दर्जनों गाँव में घूम भी रहे हैं, आज खदाना में मौजूद है। सर्वप्रथम चौधरी होशियार सिंह से ही पूछेंगे क्या कार्यक्रम है और किस तरीके की रूपरेखा तैयार की जा रही है आगामी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, स्वागत भी करता हूं आपका। आज हम खदाना गांव में आए, अपने गांव में आए हैं, और इनसे सबसे अनुरोध करने आए कि हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव सांसद, 3 बार सांसद रह चुके हैं, बड़े नेता पार्टी के, तो आज हमारे पड़ोस के गाँव है मोहरसा, उसमें 28 तारीख को सांसद जी आ रहे हैं, तो हमें ये फर्ज बनता है सबको ले जा करके उनकी बात को सुने और पार्टी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। क्या कह रहा है प्रधान जी आपका? सभी लोगों से यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचेंगे जी। और अखिलेश जी की बदौलत है जो आज लाइटें हमारे गांव में सही स्थिति में आ रही हैं, क्योंकि जितने भी विद्युत के ये बिजली घर थे सबका विस्तारीकरण अखिलेश जी द्वारा कराया गया। हमारी जहीदाबाद आहार रोड भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, जो अभी तक कोई मेंटेनेंस तक नहीं मांगा है, लगभग 7 साल हो गए हैं। और बाकी पूरी तरीके से क्या लग पा रहा है कि 2027 में बदलाव की लहर है? हाँ जी बिल्कुल। और लोकसभा में, लोकसभा मेरे साथ गांव के वरिष्ठ नेता आजाद कुमार हैं, गुप्ता जी हैं, आजाद कुमार गुप्ता जी, और मैं पूछूंगा क्योंकि क्या लग पा रहा है 2027 में, क्या लग पा रहा है इस बार? इस बार देखो जी, बदलाव की लहर तो है ही जी, और जो कोई हो पुराने को रो, समझे जी जी। और अखिलेश यादव ने वो काम करके दिखाए जो काई ने ना करे, 112 नंबर दी तो अखिलेश यादव ने दी जी जी जी, और जो ये एम्बुलेंस दी तो अखिलेश यादव ने दी हमको जी, और ये जो इनको ये प्रधान जी ने बताई दी तुम्हें, या सड़क 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 रोड के बारे में, बिजली घर की, तो भाई अखिलेश यादव के संग है। बहुत अच्छी बात कही आजाद गुप्ता जी ने कि इस बार 2027 में बदलाव की लहर है, और जो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आप ही ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की पहली नंबर की पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, जिसको लोग नकार रहे थे कि शायद ये इस बार खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों ने और जनता ने, हम सब ने आप में उसमें इतनी ऊर्जा भरी है कि लोकसभा में वो प्रथम नंबर की पार्टी बनी। कुलदीप चौधरी हैं, क्या कहना चाहते हैं कुलदीप चौधरी? क्योंकि ये कहना चाहता हूं, जिस यूथ होता है उसमें और जमाना होता है जी, हम ये देखना चाहते हैं, हमने काफी देखा भी है कि अब से पहले जैसे हम हमारे नजदीक में मेरठ पड़ता है शहर, और हम मेरठ जाते भी थे तो सड़क बहुत खराब थी, बहुत बदहाल थी सड़क बुलंदशहर से मेरठ के लिए जी। वो सारा काम जो अखिलेश जी ने कराया, और मैं चाहूंगा अगर अखिलेश जी का बनाया हुआ वो अगर पास हो जाता, जो पावर हाउस बनाया था कानपुर में है, वो बीच में ठप्पड़ा है, इस सरकार के आने से वो सारा बंद हो गया, जबकि वो इतना बड़ा पावर प्लांट था कि उसके जरिए से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो सप्लाई लाइट की दी जा सकती थी, लेकिन वो बंद पड़ा है फिलहाल। अगर जो दोबारा से सरकार लौट का है, और ये उम्मीद चल रही है, हम भी बहुत जागरूक हुए हैं कि लग रहा है हमें कि अब के जो 27 में सरकार आएगी और वो पावर प्लांट चालू होगा, चालू हो है ना,
और उससे जो हमें जैसे अब 18 घंटे लाइट मिल रही है तो 24 घंटे सप्लाई मिलेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात कही कह रहे हैं कि, और आजाद जी ने तो एक बहुत अच्छी बात कहती कि जो रोया है वो पिछले को रोया है। हम आज याद करते हैं समाजवादी की उस गवर्नमेंट को जहां विकास का एक चहुमुखी विकास हो रहा था हमारे क्षेत्र में भी, पूरे उत्तर प्रदेश में, उसी को लेकर आज इन्होंने मन बनाया है कि इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश में बदलाव होना जा रहा है, जिसको समाजवादी के रूप में और अखिलेश यादव के रूप में हम मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये सब लोग साथ हैं और सब लोग वादा भी कर रहे हैं कि आने वाली जो 28 तारीख को कार्यक्रम है धर्मेंद्र यादव जी का, उसको भी सफल बनाने का निर्णय लिया है। हमारे साथ खजाना से कासिम भाई हैं। कासिम भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो विकास अखिलेश जी ने किया है उससे हम लोग सब बहुत अच्छे प्रभावित हैं, खुश हैं, और विकास के लिए हमने वोट दिया है और आगे देंगे। 27 में आपके बाद पूर्व बहुमत सरकार आएगी अखिलेश जी की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही कासिम भाई ने कि पूर्ण बहुमत की सरकार का जो सपना है वो पूरा होना और साकार होने जा रहा है। हाँ, ये कहना है कासिम भाई को। बाकी एकजुट दिखाई दे पा रहे हैं, मैं खजाना गांव में मौजूद हूँ, सभी लोग, सभी समाज के लोग, या मुस्लिम जाट वे सभी समाज के लोग मौजूद हैं और सभी ने एक संकल्प लिया है कि इस बार 2027 में जो बदलाव की लहर है उसको हम अपनी मोहर जरूर लगाएंगे। आपकी मूर्ति उस दिन देखना चाहता हूँ मैं धर्मेंद्र जी, आपका परिचय कराऊंगा और आपसे एक अनुरोध करूंगा, हम सब जाटों के लोग खड़े होंगे भाईपुरा के चौराहे पर जहीराबाद अंदर, ठीक है, बता देंगे हम कितनी ताकत है, दिखा देंगे सब लोग वही खड़े होंगे, स्वागत में खड़े होंगे, उनको माला अर्पण करेंगे, ठीक है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, इस सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जो नए बच्चे हैं, मैं खाली जाटों की बात नहीं कर रहा, तमाम उस किसान परिवार की बात कर रहा हूँ जो किसान के घर में पैदा हुआ है, वो किसी जात और बिरादरी का हो, वो आज के मोदी चरण सिंह के खुद पहचानने से भी इनकार करता है, जानता नहीं है। एक निवेदन हाथ जोड़ करना चाहता हूँ, जहाँ 26 बिरादरी के लोग हैं, मोदी साहब की प्रतिमा, मोदी साहब की स्टेचू एक फोटो लाइए, अपने घर में लगाइए और उनके जन्मदिन पे खुशियां मनाइए, खीर और पूरी करिए, ताकि आने वाली नस्ल को, आने वाले बच्चों को यह याद रहे कि मोदी चरण सिंह थे जिन्होंने मुंबई की चकाचौंध हो बुजुर्गों को भूल गए तो फिर हमें कौन याद रखेगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, मोदी साहब की फोटो हर किसान के घर में होनी चाहिए और मोदी साहब के जन्मदिन पे खीर और पूरी और कुर्सी मननी चाहिए कि इस बिरादरी में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने किसानों को इस हिंदुस्तान में चलाने का काम किया। अपनी बात खत्म करने से पहले फिर एक बार भूपेश जी का बहुत शुक्रिया, इन्होंने दलित जी की गैर मौजूदगी में जो ये बागडोर संभाली है, ये पूरे अगले महीने भी कार्यकाल चलेगा, छात्र सम्मेलन होंगे, शिक्षक सम्मेलन होंगे, मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें गिफ्ट वगैरह दी जाएंगे पार्टी की तरफ से, तो इन्हीं के साथ बातचीत कर पाए, मेंबर बने। अपनी बात समाप्त करता हूँ, 28 तारीख में ज्यादा से ज्यादा लोग मोहरता पहुंचे। जय हिंद, जय समाजवाद, आज तक भी मैं दावा कर रहा हूँ इस बात से, और कोई गांव विकास से अछूता नहीं रहा, कोई रहा उस बता दे, आज भी मैं दावा कर रहा हूँ हम चुनावी छोड़ देंगे, राजनीति नहीं छोड़ेंगे, बाकी समाजवादी में काम करते रहेंगे, पर टिकट के लिए आवेदन नहीं करेंगे, हम दावा करने वाले। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच में है सारे खिलाड़ी जो तैयारी कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, खेल रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इनसे मैं ये अनुरोध करूंगा अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के पढ़ने के साथ साथ आप पढ़ना भी सीखें और खेलने के साथ साथ पढ़ना भी विशेष ध्यान दें। आप जैसे नौजवान आगे बढ़ेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हमें आपसे ये निवेदन है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शिक्षा का भी ध्यान रखें। आपसे अनुरोध करने ये आए हम कि आज हमारे बीच में मोहरसा गाँव में माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी आ रहे हैं 28 तारीख को। आपसे अनुरोध ये करना है कि आप सब लोग चलें और उनकी बात को सुनें। बहुत ही अच्छी बात है, जब भी सरकार अखिलेश की आई है तो खिलाड़ियों को विशेष ध्यान रखा गया है, और आगे भी जब सरकार बनेगी तो आपका विशेष महत्व दिया जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा, और आपके अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को हम खास तौर से इस स्टेडियम खिलाड़ियों को आगे पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप और अच्छे रास्ते मिलेंगे, अच्छी सड़क मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपको विशेष योगदान मिलेगा आपको। तो आपसे इतनी बात कहने आए हैं कि ये सरकार जब जब आई है, अखिलेश जी सरकार आई है, गांव और गरीब किसान की बात करिए और संविधान बचाने की बात करिए, हमेशा ध्यान रखिए। आप लोग मेहनत करें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, और अपने विशेष ध्यान रखें अपने खेल में। खेल जब आप खेलते रहोगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, आप ऊंचाइयां तक पहुंचोगे, और आपके जो कोच हैं सतीश बाबू बहुत अच्छे कोच हैं, ये आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा बच्चों को लगन के साथ आगे बढ़ाते रहें ताकि आपका नाम रोशन हो और हमारे सबका नाम रोशन हो। ये मैं आज
अपने कुंवर कुमिंदर सिंह जो हमारे बसपा के पदाधिकारी हैं पार्टी के, बहुत ही सक्रिय साथी हैं, इनके आवास पर मैं आया हूं और इनके ही साथ में आवास में सबके सबने मिल करके यहां सबने योगदान दिया। इन पड़ोसियों के इनके दुकानदार भी हैं, भाई भी हैं हमारे, सबका सहयोग, शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद।